एक मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया तो हम नहीं भूले। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ऊपर यकीनन मैंने बयान दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, नहीं भूले। 27 साल तक हर इलेक्शन में बीजेपी और बाबरी मस्जिद की याद दिलाते रहे। जितनी बार बाबरी मस्जिद का नाम लिया गया उससे ज्यादा बीजेपी और मोदी का नाम याद दिलाया गया। 27 साल बाबरी मस्जिद हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह के लिए इंतजार करती रही, लेकिन उस पर बस जलसे और मीडिया डिबेट्स ही होते रहे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, मस्जिद हाथ से चली गई, लेकिन अभी भी ना हैया अलस सलाह की फिक्र है ना तो हैया अलल फलाह का लिहाज है। बस जख्म को खिरोच कर ताजा किया जा रहा है, जिसका मुसलमानों को तो कोई हासिल नहीं है, लेकिन हर दो तरफ से मजहबी सियासत को जरूर फायदा होगा। बात मस्जिद की है या नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की, बात मस्जिद की है या बीजेपी और हिंदुत्व की? अगर बात मस्जिद की होती तो हैदराबाद की मस्जिद उमर फारूक को कैसे भुला दिया गया? अगर बात मस्जिद की होती तो हैदराबाद की मस्जिद एक खाना को कैसे भुला दिया गया? क्यों, क्या मस्जिद उमर फारूक और मस्जिद एक खाना को हिंदुत्व नहीं गिराए इसलिए भुला दिया गया, या फिर जो भी गिराए उनसे सियासी दोस्ताना है इसलिए जहनों से निकाल कर उसे भुला दिया गया? 12 साल के करीब हो गया मस्जिद उमर फारूक को अपने हुक्मरान दोस्त ने गिरवा दिया, 1 साल हो गया मस्जिद एक खाना को अपने हुक्मरान दोस्त ने ही गिरवा दिया, और आप अपने शहर के मसाजिद और इस मामले में अपने हुक्मरान दोस्तों को ही भूल गए और बाबरी मस्जिद मोदी मोदी याद दिला रहे हैं। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ऊपर यकीनन मैंने बयान दिया और मेरा वीडियो भी है। आपका एक वीडियो बयान है जिसमें आपने अवाम से कहा है कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद डिमोलिश करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर FIR होना चाहिए, लेकिन आपने खुद उस कॉन्ट्रैक्टर पर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं करवाए। क्यों साहब, किसने रोक लिया आपको FIR दर्ज करवाने पर? क्या आपका काम सिर्फ मशवरा देना था कि FIR दर्ज करो? आपकी कही हुई बात पर खुद आपको अमल करने के लिए किसने रोक लिया है आखिर? हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि उसी जगह पर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाए। सीएम से मुतालबा आवाम को बताने वहां किया जा रहा है जहां सीएम नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस और लेटर्स जारी किए जा रहे हैं और सीएम की दुनिया से दूर छोड़े जा रहे हैं। आपने अभी तक सीएम के सीआर से ना तो सेक्रेटेरिएट कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर मुसलमानों को बताया है, ना आपने अभी तक सीएम से कोई ऑफिशियल तौर पर मुतालबा किया है। हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे यही चीज को हम उनके सामने दोहराएंगे जो दोहराई जा चुकी है। जिस तरह बाबरी मस्जिद पर 27 साल मीडिया और जलसों से मुतालबा करते आए हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद हाथ से चले जाने के बाद भी उस पर नेशनल लेवल पर तबसरे किए जा रहे हैं, क्या इसी तरह हैदराबाद की मस्जिद उमर फारूक, मस्जिद एक खाना, मस्जिद हाशमी, मस्जिद दफातिर और कई खुतुब शाही मसाजिद शहीद होने के बाद टीवी मीडिया जलसे और सोशल मीडिया में आने वाले 100 साल तक सिर्फ मुतालबे ही करते रहेंगे? क्या इस तरह के बयानात और चंद अल्फाज बोल देने से गिराए गए मसाजिद उठकर खुद ही ठहर जाएंगे? 27 साल बाबरी मस्जिद पर बयानात दिए आप, कोई टीवी डिबेट नहीं छुटा, कहीं जलसा नहीं छुटा, 27 साल का रिजल्ट क्या सामने आया सब जानते हैं, और अब हैदराबाद के मसाजिद पर फिर वही बयानात। उधर से आप बोलकर बरी हो गए, इधर से हम सुनकर थाली बजा दिए आपकी बात पर, बस इसी तरह दोनों खुश रहने लगे, कहानी खत्म। चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि उन्होंने रिग्रेट का इजहार किया, वो वक्ती और सही बात थी।
प्लान के मुताबिक जानबूझकर मसाजिद गिराने के बाद सीएम ट्वीट ट्वीट करते हुए अफसोस जाहिर किए, तो वो आपके लिए वक्ती और सही बात कैसे हो गई मेरे साहब? क्यों साहब, मसाजिद से ज्यादा सियासत और इख्तदार प्यारा है? या मसाजिद को हिंदुत्व ने नहीं गिराया इसलिए सीएम के अफसोस को आपने सही बात मान लिया? बाबरी मस्जिद की शहादत पर अगर कल कोई ट्वीट ट्वीट अफसोस जाहिर कर देते हैं तो क्या कहेंगे आप? वक्त के हिसाब से सही है बोलेंगे? जानबूझकर प्लान के मुताबिक मसाजिद गिराते जाएंगे और ट्वीट ट्वीट अफसोस का इजहार करते जाएंगे तो आप सही है कहकर तायीद करने लग जाएंगे? मसाजिद गिरा दिए गए, बेहुर्मती कर दी गई, जमीन दोस्त कर दिए गए मसाजिद, नाम वो निशान मिटा दिया गया आप ही के शहर में मसाजिद का, कौन सा वक्त किस बात के अफसोस का टेका? क्या सही क्या गलत? होने के काम तो पक्का होते ही आए हैं, मसाजिद गिराना मंशा है, मसाजिद तो बराबर गिराए जा रहे हैं। ट्वीट ट्वीट वीडियो बयानात, अफसोस लेटर हेड्स, वीडियो के जरिए अवाम का दिल बहलाने के बयानात, एक लेटर हेड एक वीडियो एक ट्वीट, क्या मसाजिद की इतनी ही अहमियत रह गई है अब? मगर अब हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं और किए भी हैं कि आपकी हुकूमत का काम यह है कि दोबारा उसी जगह पर उस मस्जिद की तामीर का काम फौरन शुरू होना चाहिए और आप हमारे को एक टाइम बता दीजिए। ये सिर्फ ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम लोगों का एक मुश्तरका बयान इसमें दिया जा चुका है। आपने बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीएम साहब से मुतालिबा कब किया मेरे साहब? मामूली आधा किलो दाल दो किलो चावल किसी को दे दें तो ट्वीट ट्वीट सारे सोशल मीडिया में धूम हो जाती है, लेकिन ताजुब है कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद वहीं बनाने का आपने सीएम से मुतालिबा भी कर दिया और इस बात की खबर किसी को नहीं दी गई कि आपने सीएम से मुतालिबा किया है। किस अंदाज में किया? क्या आप उनसे मिले, ऑफिशियली कोई रिप्रेजेंटेशन दिए, या सीएम को आपके लेटर हेड पर लिखकर सीएम के दफ्तर तक पैगाम पहुंचाए, या आपके किसी नुमाइंदे को सीएम से बात करने भेजे? कौन से तमाम लोगों का मुश्तरका बयान कब कहां और कैसे सीएम को दिया गया मेरे साहब? क्या ये सब काम छुपा कर किए जा रहे हैं? क्या कोई नई हिकमत है ये? अवाम को बताएं आप, आपने कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर किया है, बता दें अवाम को, आपने सीएम से सेक्रेटेरिएट मसाजिद का कंस्ट्रक्शन प्लान लिया है, बता दें अवाम को, आपने मस्जिद उमर फारूक, मस्जिद एक खाना और सेक्रेटेरिएट के दो मसाजिद वहीं पर तामीर करने का ऑफिशियल तरीके से सीएम केसीआर से मुतालिबा किया है, बता दीजिए अवाम को आप। और अगर ये मुतालिबात नहीं माने जाने पर क्या इकदाम होगा, बता दीजिए अवाम को आप, ताकि मुसलमानों को आपकी बात पर एतबार हो और इत्मीनान महसूस कर सकें। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू डू समथिंग प्रैक्टिकल इन दिस रिगार्ड्स एंड शो इट टू मुस्लिम कम्युनिटी इन प्रैक्टिकल।